मध्य रात्रि में आपको बता दें राधा कुंड में होगा सही स्नान, गंदगी से राहत है, श्रद्धालु प्रशंसक की व्यवस्था पर भी उठ रहे सवाल। शौचालय और महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने के लिए नहीं कोई व्यवस्था, राधा कुंड में जल का आचमन जारी है। आज अहोई अष्टमी के मध्य रात्रि को राधा कुंड पुत्र के साथ ही प्राप्ति सही स्नान के लिए जाएंगे, जिसको लेकर प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं में जुटी है। राधा कुंड श्रद्धालु में आने वाले भक्तों की ताल लगी हुई है। विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं ने राधा कुंड में सही स्नान शामिल होने के लिए आ चुके हैं। श्रद्धालु और स्थानीय लोग के साथ ही लोग प्रशंसा व्यवस्था के साथ ही सवाल खड़े कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि अस्थाई व्यवस्था कोई भी महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए नहीं बनाई गई है। आइए सुनते हैं इनका एक बयान प्राइवेट न्यूज चैनल के लिए मथुरा से अमित गोस्वामी की खास रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हो आप? पलवल से आए हैं हम। अलका जी बताएं, यहाँ आपने राधा रानी कुंड में स्नान किया या नहीं किया? मैंने स्नान किया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सफाई को लेकर के थोड़ा सा ये काफ़ी ज़्यादा गंदगी है आसपास, थोड़ा सा पानी में भी थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा गंदापन सा है। हाँ जी, अमृत के समान जरूर है, लेकिन अमृत तब है जब आप इसे साफ रखोगे। साफ रखना अपने हाथ होता है, ये प्रशासन का काम है, इसे सफाई रखना। प्रशासन की ओर से आप लोगों के लिए चेंजिंग रूम या कहीं कुछ भी अवेलेबल नहीं है, हमें यहाँ पे साइड में चेंज करना पड़ रहा है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। प्रशासन इस चीज पे बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे अगोई अष्टमी का मेला है, ये काफी बड़ा है, लोगों के लिए काफी महत्व है इस चीज का, लेकिन बिल्कुल प्रशासन इस चीज पे कोई ध्यान नहीं। कहाँ के रहने वाले हो आप? छजुनागढ़ से आए हैं, पलवल छजुनागर से। आप यहाँ राधा रानी कुंड के संगम पे हो, यहाँ आपने स्नान किया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? यहाँ पे हम बड़ी आस्था से आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने, चाहे किसी भी मनोकामनाएं हो हमारी, और हम यहाँ पे आके देखते हैं इतनी गंदगी है, स्नान करने के बाद ना कोई चेंजिंग रूम है, तो लेडीज को तो की ओर से क्या व्यवस्थाएं दिख रही हैं आपको? दरअसल कोई व्यवस्था नहीं दिख रही यहाँ पे। व्यवस्था दिखती तो यहाँ खुले में सब औरतें हैं, पुरुष भी हैं, अब उनके सामने, और वैसे भी गंदगी देखो कितनी गंदगी हो रही है। ये तो अमृत के समान चिन्नामृत कुंड बताया गया है राधा रानी का, और तो उसमें कितनी गंदगी, फिर भी चाहे कितना ही अमृत हो, अमृत में अगर इस तरह से गंदगी रहेगी वो अमृत का उतना पुण्य नहीं मिलेगा। अमृत है भाई, पर क्या करें, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये तो आप खुद स्वयं देख सकते हैं सामने कितनी गंदगी हो रही है, और प्रशासन इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, और हमने उसको बताया भी है पर वो इस तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। आप यहाँ किस उसमें हैं? मैं यहाँ सेम सेवक में ड्यूटी मेरी तैनात की गई है राधा कुंड में, और मैंने डीएम साहब को और काफ़ी अधिकारियों को बताया भी है, पर इस विषय में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ईओ साहब असकर नहीं दे रहे। मैं अभी भी नगर पंचायत से ही आ रहा हूँ। तो क्या कहेंगे इस ऐसे श्रद्धालु की आस्था हो, कितना ठेस पहुंच रहा है? आप देख सकते हो कि आदमी यहाँ पर स्नान भी नहीं कर सकता है, काई किस तरीके से आपने अभी देखा है कैमरे में, लाइव देखा है आपने, मैं नहीं कहना चाहता, आप लाइव देख रहे हो। मैं चाहता हूँ अधिकारी इस पर नज़र डालें और इस चीज़ को ख़त्म करें। आज का ही मेला इतना बड़ा पर्व है, क्या यहाँ श्रद्धालु आचमन योग लेना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे, आप देख सकते हो सामने। क्या उनकी आस्था को ठेस पहुँचेगा? बिल्कुल पहुँचेगा। अच्छा, अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था किया है? यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं है, आप देख सकते हो, कोई नहीं तो व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, और पुरानी जितनी भी ऐसे की नाव थी पहले बार तीन तीन नाव होती थी, अब इस बार इस मेले के हिसाब से जो तैयारियाँ प्रशासन द्वारा की जाती हैं वो एक औपचारिकता मात्र है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ भीड़ होती है और कुंड का जल जितना दूषित हो चुका है, जो सर्वे टीम पानी की टेस्टिंग के लिए आई थी, जिन्होंने अपना रिपोर्ट भी पेश कर दी है कि जल आचमन के योग्य नहीं है, इसके बावजूद भी प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं पहले भी दो टीम आई है, SN मेडिकल कॉलेज आगरा और तुम्हारा ये भरतपुर से भी टीम आया, उसने ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम बनाई है, इसमें इतना पॉइजन है इससे आदमी बीमार पड़ सकता है, इसके कोई प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, इसका कोई शुद्धिकरण नहीं है। जैसे श्रद्धालु उसमें जोड़े से स्नान करेंगे तो क्या उनको क्या फील होगा? उसको फील है यही है, वो तो अपने श्रद्धा की वजह से आते हैं, स्नान करके चले जाते हैं, उनको उनकी बहुत आस्था पे ठेस पहुंचता है। अगर श्रद्धालुओं को यहाँ चेंजिंग रूम वगैरह या कुछ व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं आपको? कहीं कहीं भी बनी हुई है, कपड़ा बदलने के लिए है, कहीं कहीं है। प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं कुछ खास? प्रशासन की व्यवस्था कुछ नहीं है, यहाँ का लोकल आदमी नगर क्षेत्र संपत्ति राधा कुंड जो टोने रिया है उसकी तरह। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को